जब कभी मुझे बाहर जाना होता है तो देखो मेरे कमरे का यही हाल हो जाता है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है या मुझे किसी इलाज की जरूरत हमारी गाड़ी में गाड़ी पूरी की पूरी अलाइनमेंट जा रही है और लेफ्ट जाए जा रही है, बहुत लेफ्ट जा रही है। तो बिल्कुल खत्म। फिर अभी हम कहाँ पहुंचने वाले हैं कि वापस जाने वाले हैं घर? मतलब इतनी प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर कि मुझे डर लग रहा है कि ये ना प्रॉब्लम ना दे बीच में। भयंकर ट्रैफिक से हम निकलेंगे कैसे बाहर? कितने देर का रास्ता ये ट्रैफिक वाला? तुषार 50 मिनट्स का दिखा रहा है अभी। 50 मिनट दिखा रहा है। चलो देखते हैं कब तक हम पहुंचते हैं। दिल्ली में आओ और रोड पे डांस ना करो, ऐसे कभी हो सकता है? तो आइए दिल्ली में और रोड पे डांस जरूर करें। तो मैं और तुषार इकट्ठे गाड़ी में बैठे हो, तुषार ड्राइव कर रहा और मेरी तुषार की बहस ना हो, लड़ाई ना हो, पॉसिबल नहीं है। कभी कभी तो इतनी हद तक बात पड़ जाती है कि एक बंदा गाड़ी से उतर के चला जाता है कि मैंने नहीं जाना, कभी दूसरा बंदा उतर जाता है कि गाड़ी में मैं नहीं जाता, और कई बार तो चाबी भी फेंक दी जाती है। लेकिन फिर हमारे पास ना कोई हल नहीं बचता। आप पूछोगे कि हल क्यों नहीं बचता है, बता भाई हमारे पास कोई हल क्यों नहीं है? और मुझे नहीं पता, बता देना। अरे मैं गाड़ी चला रहा हूँ। दोस्तों फैमिली में दो बंदे कहाँ जाएं? ये मेरे पास, मैं इसके पास, जितना मर्जी लड़ लें उसके बाद फिर एक दूसरे के पास चले जाते हैं। देख रहे हैं ये हमारी गाड़ी ना फीचर से भरपूर है, कोई ऐसा फीचर नहीं है जो इसमें ना हो सिवाय एक के। देखिए बारिश हो रही है लेकिन हम बारिश को हटा नहीं सकते क्योंकि हमारा वाइपर ड्राइवर साहब तोड़ के जा चुके हैं। कमीना ना हो कहीं का। देखो जी जुगाड़ लग रहा है और वाइपर को ठीक किया जा रहा है। भाई बारिश हो रही है, बिना वाइपर के कैसे काम चलेगा? खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। मौसम बड़ा सुहाना है और इस सुहाने मौसम में पकोड़े खाने का दिल कर रहा है मेरा। सामने खड़ा हुआ है ट्रैफिक वाला और वो कह रहा है पड़ जाओ आगे, पड़ जाओ आगे। ओ तुषु फेंक दे इस गाड़ी को बाहर। क्यों? अरे बेकार, वो देख सारी गाड़ियों में देखा इतने जोर जोर शोर से गाने चल रहे हैं, तेरी गाड़ी में कोई गाने का नाम निशान नहीं है। तो आपको वैसे गाने पसंद है? बुक, 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 बुक। हाँ मुझे पुक, 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 पुक वाले गाने बहुत पसंद है। तो चलाता क्यों नहीं है? पक 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 इस पे आ जाएगा आपके अभी क्या आ जाएगा? कॉपीराइट क्लेम। अच्छा तो यही बात है, कॉपीराइट क्लेम कई मुश्किल है। देखो मैं गाना नहीं सुन पा रही कोई भी, ब्लॉग बनाने का चक्कर में सारा का सारा। अगर मैंने गाना सुन लिया ना तो कॉपीराइट क्लेम इतना बड़ा बड़ा आ जाएगा, कितना सेक्रीफाइस है मेरा। लेकिन आप हो कि नो लाइक नो कमेंट नो शेयर, गलत बात। क्यों परेशान हो रहा है बेटा? पार्किंग नहीं मिल रही है। ये पार्किंग क्यों नहीं मिल रही है? या तो क्या ये मॉल तो सामने दिख रहा है हमको, मॉल तो आ गया है तो पार्किंग भी आई जाएगी। ये जो MBS मॉल है गुड़गांव में है या गुड़गांव MBS मॉल में है? MBS गुड़गांव में है। अरे तो तूने मुझे इतनी देर क्यों लगा दी, तब से घुमाई जा रहा मुझे। तेरे को MBS मॉल मिल ही नहीं रहा? MBS मॉल ही मिला हुआ, पार्किंग नहीं मिल रही। तो इतनी देर में तो तुम मैं गुड़गांव कब का पहुंच चुकी होती। एट लास्ट हमको पार्किंग मिल गई और अभी गाड़ी खड़ी करने की जगह ढूंढ रहे हैं। जी गुड़गांव वाले MBS ही आते हैं क्या? सब लोग MBS गुड़गांव वाले नहीं, दिल्ली वाले भी MBS ही आते हैं। मतलब कोई काम नहीं है क्या? अरे देखो मिलने की उम्मीद है। हाँ वो कह तो रहा है मिलने की उम्मीद है। माय गॉड, ये नीचे पार्किंग वालों का शहर बसा हुआ है। दोस्तों पार्किंग में ट्रैक्टर भी खड़े होते हैं यहाँ पे MBS मॉल में, आप समझ रहे हो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं वो देखो। यार कोई उम्मीद नहीं है तेरे को पार्किंग मिलेगी। क्यों? अरे भारत सरकार को नहीं मिल रही हमारी, देखो भी ढूंढ रहे हैं, तुझे कहाँ से मिलेगी? दोस्तों ये ना पूरी एक भूल भुलैया बनी हुई है और मैं तो समझ नहीं पा रही इस भूल भुलैया में फंस गए तो इस भूल भुलैया से निकलेंगे कैसे। पता नहीं कितने मोड़ तोड़ हमने ले लिए अब तक और ये भारत सरकार हमारे आगे आगे चल रही है और हम भारत सरकार के पीछे पीछे। हम लोग पूरे 20-25 मिनट से ना ढूंढ रहे हैं पार्किंग जो हमको नहीं मिल रही है और मेरे बेटे को अभी भी पूरी उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे। जीत जाए।
भैया मैंने ना पूरा चक्कर काट लिया है, ऐसा है गिद्ध की नज़र से हम लोगों को अपनी जगह ढूंढनी पड़ती है, कौन सा बंदा उठ रहा है और कौन सी जगह खाली हो रही है और हम उस जगह पे जाकर बैठे। तो अभी हम गिद्ध बने हैं, दो गिद्ध जगह मिलते हैं बैठे। तो अभी ऑर्डर आएगा तो हम फटाफट ऑर्डर करते हैं, उसके बाद आगे मिलते हैं। हमें कैसी जगह पे मिली इतनी बड़ी पार्किंग में, हमें ये गोदाम के पास पार्किंग के लिए जगह मिली। दोस्तों हम निकल लिए हैं वापस अपने घर के लिए, चलो चले। बताओ इतना ज्यादा मॉल घूम लिया, हम तो थक गए।